निकालना पड़ा भाई, बहुत अच्छे। पता है कारण, सच में कलाप होने चाहिए थे। झाड़ू निकालने के लिए? नहीं बाबा, क्रिकेट मैच खेलने के लिए। आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। क्या करूं यार, जाना जरूरी था, बॉस तो तुम जानती हो ना। अंजलि, ये बाद में बात करेंगे, फिलहाल बहुत भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कुछ नाश्ता वास्ता हो जाए। ठीक है, आज आपको आपकी पसंद का नाश्ता मिलेगा। मेरी पसंद का? हाँ। क्या बात है अंजलि, ये रेसिपी बुक पढ़ी है ना, उसमें से अपने पसंद की एक डिश पसंद करो। तब तक मैं ये बैग रख के आती हूँ, ठीक है? श्योर। अरे हाँ बाबा, श्योर। भाई ये तो कमाल हो गया, अंजलि खुद कह रही है कि आप अपनी पसंद का नाश्ता सेलेक्ट करो इस रेसिपी बुक में से। ये अंजलि को क्या हो गया भगवान? बहुत बहुत धन्यवाद, बदल दिया अंजलि को, आज अच्छा खाना खिलाएगी। क्या है देखूं? मिर्च मकई का सालन, ओहो, और क्या 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 है, कोफ्ता रंगीन, एक आध कोई और डिश देख लूं, मिंटी मशरूम रोल्स, क्या खाऊं इनमें से, क्या बनवाऊंगा आज, कोफ्ता रंगीन, ये ठीक है। अंजलि, अरे अंजलि जल्दी आओ। आई बाबा। अरे जल्दी आओ। क्या क्या हृदय परिवर्तन हुआ है तुम्हारा, क्या बढ़िया बढ़िया डिशेस दिए मुझे सेलेक्ट करने के लिए। इसमें से एक काम करो, ये जो कोफ्ता रंगीन है ना, ये बना दो। हैं? एक मिनट, कौन सी रेसिपी बुक देख ली आपने? अरे तुमने ही तो कहा था ये टेबल पे पड़ी है, देख लो, इसमें से मैंने सेलेक्ट कर ली डिश। तारक, ये रेसिपी बुक तो मैंने रद्दी वाले को देने के लिए निकाली है, मैं इस सैलेड रेसिपी बुक की बात कर रही थी। ओहो अंजलि, इतने दिनों बाद भी सलाद? नहीं नहीं अंजलि, अब सलाद और नहीं प्लीज। क्यों नहीं? नहीं नहीं तारक, 3 दिन बाहर रहकर सारी अगड़म बगड़म चीजें खाई होगी, तब 3 दिन मुझे तुम्हारी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा ना। क्या करूं, कैसे सलाद से बचूं, पूरा संडे बिगड़ जाएगा। हाँ अंजलि, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। करेक्ट, तो फिर मैं सैलेड बनाती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, सैलेड भी नहीं, मैं क्या सोचता हूँ कि आज मैं नाश्ते में कुछ खाऊं ही नहीं, एकदम उपवास कर लूं, तो पेट का जो सिस्टम है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं क्या सोचता हूँ, जेठालाल के घर जाके आता हूँ और देखता हूँ क्रिकेट में क्या क्या कमाल हुए। ठीक है ठीक है, लेकिन सुनो, जेठा भाई के घर गप्पे लड़ाने के लिए ज्यादा टाइम मत बैठ जाना, जल्दी वापस आना। याद है ना दोपहर को गजल के प्रोग्राम में जाना है? अरे कैसे भूल सकता हूँ, यूं गया और यूं आया। ओके, जय जिनेन्द्र बापू जी। जय जिनेन्द्र भैया, नाश्ता नहीं करना है? आज तो जलेबी फाफड़ा है नाश्ते में, पता नहीं कितने दिनों के बाद आज मैं जलेबी फाफड़ा खाऊंगा, मुझे तो याद भी नहीं लास्ट कभी खाया था। पिछले रविवार को तो खाया था। हाँ तो 6 दिन पहले। आइए आइए, ले तो टप्पू अभी तक तो जलेबी फाफड़ा लेकर नहीं आया क्या? अरे दया बोलिए, टप्पू अभी तक जलेबी फाफड़ा लेकर नहीं आया? नहीं आया? अरे हाँ, नहीं आया, नहीं। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद आते वक्त नीचे वो क्रिकेट खेलने के लिए रुक गया होगा, आपको क्या लग रहा है? अरे मुझे अभी भूख लग रही है जोरदार। अच्छा अच्छा बड़ी खड़ी क्या जाने भाई, उसको बुला के लाना, मेरा संडे बिगड़ेगा क्या? देखती हूँ। मम्मी बेटा, आला पहला आला इधर ला। अरे खमोज जरा, मैं प्लेट में निकल कर देती हूँ। इतना लेट क्यों हुआ? पापा आपको पता नहीं है संडे, और संडे वहाँ कितनी लंबी लाइन रहती है, ये तो टप्पू ने दिमाग चलाया तब जाके इतना जल्दी मिला, नहीं तो और लेट मिलता। अच्छा क्या दिमाग चलाया तूने? देखो पापा, मैं लाइन में सबसे लास्ट था, तुम्हें जोर से चिल्लाया, ये 500 मिनट किसकी गिर गई है, तो पूरी लाइन पीछे देखने के लिए मुड़ी, तो मैं फटाक से आगे गया और लाइन में फर्स्ट पहुंच गया। शाबाश बेटा शाबाश। ए क्या शाबाश टप्पू, इधर आ जा बेटा, बापूजी इस काम के लिए तुझे इनाम दे रहे हैं, जा। हां दादाजी। टप्पू तू अगर आधे एक घंटे से लाइन में खड़ा होता और कोई तुझे इसी तरह उल्लू बना के आगे लाइन में घुस जाता तो तुम्हें अच्छा लगता? तो फिर इसीलिए बेटा ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। सॉरी दादाजी, आगे से ऐसा नहीं होगा। पापा नेक्स्ट संडे से और लेट होगा, प्लीज बेयर विद मी। चलो दादाजी मैं होमवर्क करने जाता हूँ। भाई इधर आ। क्या बोला तूने? होमवर्क। क्या होमवर्क? फिर से बोल। होमवर्क।
बाबूजी सुना आपने? हाँ सुना। तो कुछ नहीं, जा बेटा कर होमवर्क कर, जा। शाबाश है बेटा, शाबाश। अरे दया अंदर खुद खाने बैठ गई क्या? अधीरियो। लीजिए बाबूजी। नमस्ते चाचा जी। अरे नमस्ते, नमस्ते भाई, कैसे हैं? ठीक हूँ। आइए आइए मेहता साहब, आइए आइए, नाश्ता करने बैठ जाइए। अरे भाभी वही तो करने आया हूँ। अरे क्या बात है, आइए बैठिए बैठिए। क्या हाल है जेठालाल? बस बैठिए बैठिए। थैंक यू, ये लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ भाभी, कंग्रेचुलेशन। अरे ये फाफड़ा जलेबी के लिए कांगारू सेशन क्यों? अरे फाफड़ा जलेबी के लिए नहीं दे रहा हूँ आपको बधाई। अरे मुझे पता चला कि आपने कल के क्रिकेट मैच में हैट्रिक ली है। थैंक यू। हाँ लाई। अरे लो ना, देखो तुम ले है, बहुत है, ला रही है, खाई है। वैसे मुझे पता चला कि तुम लोगों ने क्रिकेट मैच में बहुत मजा उठाया। बहुत मजा तो बहुत आया, झूठ नहीं बोलूंगा मेहता सर, लेकिन आपको भी मिस बहुत किया। हाँ वो तो है। आप नहीं मानेंगे, आखिरी बॉल पे हम लोग जीतने ही वाले थे कि पुलिस आ गई। झाड़ू लगाना पड़ा तुम्हें? वो तो हम दोनों ने मिलके लगाया, क्योंकि मैच टाई हो गया है ना। लेकिन क्या है यार, हार जीत में क्या रखा है, मजा तो खेलने का आना चाहिए। नहीं नहीं, वो तो बहुत मतलब भरपूर आनंद उठाया, आपकी भाषा में कहते हैं ना वो, क्या बहुत लुत्फ उठाया। लुत्फ लुत्फ। अरे तुम भी लो ना यार कुछ। लीजिए लीजिए बापू जी चाय। तुम भी लो अपने घर समझो। हाँ हाँ मैं तो भूल ही गई। जानदार जलेबी, कड़क फाफड़े और शानदार चाय, इसके सिवा जिंदगी में और क्या चाहिए बोलो। हाँ भैया चाय तो बहुत बढ़िया बनाती है, वो तो बोलना पड़ेगा। नमस्ते चंपक चाचा। नमस्ते। अरे गजराज जी आइए आइए। अरे मेहता साहब आप कब आए? अरे मैं आज सुबह आया, आपके क्या हाल है गजराज जी, कैसे हैं? बस एक्सीलेंट, फर्स्ट क्लास। हम निकल ही रहे थे, सोचा सबको बाय करके चले। ले कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग अपने घर जा रहे हैं। ले क्यों? अरे हम कोबल भाभी का वेट कर रहे थे, बस वो आ गई तो हम जा रहे हैं। अरे वाह, कोबल भाभी आ गए? हाँ जी, वही तो बोला अभी उन्होंने। डॉक्टर हाथी आया कि नहीं? नहीं भाई साहब, दो चार दिन के बाद आने वाले। अगर हाथी भाई आएंगे तो सबको पता चल जाएगा। पता है पिछली बार वो रिक्शा में आए थे तो कैसा फंस गए थे, क्यों टप्पू के पापा? हाँ याद है ना? वो कोई भूल सकता है जेठालाल? जेठालाल हमें इजाजत दो, हम चलते। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं, नाश्ता करके ही जाना पड़ेगा। नहीं नहीं। हाँ क्यों नहीं। हाँ तो फिर आइए 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 भाभी जी, आइए भाई। हाँ भाभी जी बैठिए बैठिए। हाँ आइए गजराज भाई, आप भी लीजिए जलेबी फाफड़ा। ये लीजिए भाभी, मैं आपके लिए दूसरी प्लेट लेकर आती हूँ। अरे ला रही है, ला रही है। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, गोकुल धाम जैसी सोसाइटी मैंने आज तक नहीं देखी। जाहिर है हम लोग जो रहते हैं यहाँ। इतना प्यार, इतनी बढ़िया जीपीएल मैच, वाह मजा आ गया। लेकिन अब आपकी बारी है, आप सब लोगों को हमारे आना पड़ेगा। अरे आप बुलाएंगे तो हम नहीं आएंगे, और वैसे भी फ्री में खाने तो हम कहीं भी चले जाएंगे। ये लीजिए, अब मजा उठाइए फाफड़े का। वाह जेठालाल, क्या नाश्ता था? अच्छा था। अच्छा था? अरे बहुत बढ़िया था। अब लगता है हर संडे यहाँ पे नाश्ता करने आना पड़ेगा। अरे अगर हर संडे आने जाने में किराया खर्च करेंगे इतना तो नाश्ता बहुत महंगा पड़ जाएगा गजराज जी। अच्छा जेठालाल,
जय भाभी। हाँ। हम चलते, नमस्ते। नमस्ते माता दादा। नमस्ते, संभल कर जाना। रात जोते रहना यहाँ पर। नमस्ते। सब लोग याद करेंगे आपको। चलते हैं। आते रहना। हाँ जरूर, आप भी आइए। अच्छा चलो। हाँ ठीक है। बाय बाय बाय। जय जितेंद्र। ठीक है, जाना आराम से। चलो जेठालाल, अब मैं भी चलता हूँ यार। अरे आपको कहाँ जाना है? अरे देखो यार, 3-4 दिन बाद आया हूँ। बीवी से अच्छे रिश्ते रहने चाहिए कि नहीं, वादा किया है अंजलि को कि उसे गजल प्रोग्राम में ले जाऊंगा। चलोगे तुम? हाँ हाँ। तुमको मालूम है गजल क्या होता है? ना। आप जाओ जाओ, मैं तैसे भेजता हूँ। चलो फिर मैं चलता हूँ, मिलते हैं। ओके ओके। अच्छा दादाजी नमस्ते। दया हेलो। हाँ हाँ हाँ, देती हूँ, चालू रखिए। बापूजी आपका फोन। हाँ बोल घनश्याम। कभी अभी? हाँ हाँ तो चलो, ठीक है ठीक है। हाँ आता हूँ मैं। हाँ ये भाई जेठिया, मैं अपने दोस्तों के साथ तुंगारेश्वर मंदिर जा रहा हूँ। अभी? हाँ। लेकिन बापूजी वो तो बहुत दूर है, आपको वापस आते आते रात हो जाएगी। तो होने दे। तो कुछ नहीं, जाइए मजा करो। या? कुछ नहीं बापूजी, जाइए। अरे दया। हाँ। बोलो। अरे क्या बोलो, जलेबी फाफड़ा मुझे मिलेगा कि नहीं दया? अरे मैं लेके ही आ रही थी। अरे बापूजी कहाँ गए? तू पहले नाश्ता लेके आना, बाद में बताता हूँ। लेके आ नाश्ता पहले। हाँ हाँ। इधर पूरा गांव आके खा गया और मुझे अभी तक चखने भी नहीं मिला है। बहू, ओ ये जेठिया, तू अभी तक नाश्ता कर रहा है? हाँ बापूजी। मैं तुंगारेश्वर मंदिर जा रहा हूँ, रात तक लौट आऊंगा। जी बापूजी। अरे बापूजी, ये बारिश का मौसम चालू हो गया है, आपने छाता लिया कि नहीं? अरे नाश्ता लेके कहाँ बाहर गई तू? अरे वाह, सवेरे सवेरे फाफड़ा जलेबी का नाश्ता। कितने दिन हो गए थे मुझे फाफड़ा जलेबी खाए हुए यार, आज तो सवेरे सवेरे बल्ले बल्ले हो गई। अरे कैप्टन, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो यार? ओए इस बार मैच ड्रॉ हो गया तो क्या हो गया, अगली बार ऐसे छक्के चौके लगाएंगे, मैच हम लोग ही जीतेंगे। हाँ अरे भाई, मैच ड्रॉ गया उसके लिए मुंह लटका कर नहीं बैठा हूँ तो? ओ छोड़ने भाई कुछ नहीं, तू ये बता सुबह सुबह तेरा कैसे आना हुआ इधर? अरे वो गुग्गी कब से कह रहा था कि पिक्चर देखनी है, लेकिन तुम तो जानते हो वेकेशन के दौरान फिल्म वालों की और थिएटर वालों की हड़ताल चल रही थी। अभी हड़ताल खुल रही है तो मैंने सोचा गुग्गी क्यों, सोसाइटी के सारे बच्चों को साथ लेकर पिक्चर दिखाने लेके जाता हूँ। तुम चल रहे हो? मैं तुमको बच्चा दिखता हूँ? अरे यार गीता पर क्या बात कर रहे हो भाई, मेरा आज का प्रोग्राम फिक्स है। क्या? मैं अभी ये मस्त नाश्ता करके ना धो के एसी चालू करके बेडरूम में सो जाऊंगा। क्या क्रिकेट की जो भी थकान है ना वो उतार दूंगा। ठीक है यार तुम थकान उतारो, पर टप्पू को तो साथ लेके जाऊंगी नहीं? उसको तो खास लेके जाओ भाई, वो तुम्हारे साथ आएगा तभी तो मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। चलो ठीक है, तुम फिर आराम करो, मैं जाता हूँ। अरे दया भाभी जी, टप्पू को जल्दी तैयार करके मेरे घर भेज देना। ठीक है। और जेठालाल फाफड़ा जलेबी खा के तो मजा आ गया यार। चलो मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। थैंक यू, आराम करना। दया अब मुझे फाफड़ा जलेबी मिलेगा नहीं? क्यों? अरे क्यों क्या, सब खत्म हो गया कैसे? अचानक इतने सारे मेहमान आएंगे तो उनको नाश्ता तो देना पड़ता है ना, और मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। तो मैं भी भगवान हूँ? जाओ जाओ, आप थोड़े ना मेहमान है। अरे मैं तुम्हारा पति परमेश्वर हूँ ना। हाँ। तो परमेश्वर मतलब क्या हुआ, भगवान? हाँ वो तो है। तो फिर कुछ नहीं, ये भगवान को अभी जलेबी फाफड़ा खाना, कहीं से भी लेके आओ। अभी फाफड़ा जलेबी मैं कहाँ से लेके आऊँ? सुनिए, अब थेपला और अचार है,
चलेगा। ला भाई ला जो है ला, इधर भूख लगी है, जल्दी लेके आ। हाँ हाँ। एक मिनट, तूने नाश्ता किया? नहीं। तो थेपला अचार लेके हम दोनों आज साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं। अरे सोनू पुत्र किधर है? नहीं आई। अरे अंकल, शायद भिड़े अंकल ने मना किया होगा। अरे यार, ये भिड़े की तो ऐसी की तैसी, हमेशा ही ऐसा करता रहता है। रोशन नहीं। अरे फोन तो करना पड़ेगा ना, कैसे फिर सोनू नहीं जाएगी? कमाल कर रहे हो। अरे हाय सोनू। अरे सोनू तू आ गए? चलो अभी चले बच्चे। रोशन तू बच्चे लोगों को पिक्चर देखने के लिए ले जा रहा है ना, तो उन लोगों का ख्याल रखना। लास्ट टाइम तुझे याद है ना तूने क्या किया था? क्या? अंधेरे में मेरे गोगी पुत्र की जगह किसी और के पुत्र को लेके आ गए थे। अरे यार रोशन, तू ऐसे चिंता कर रही है? इस बार तो मैं पूरा ख्याल रखूंगा, और साथ में इस बार उजाला भी तो है। और यार रोशन तू भी चलना तो बहुत मजा आएगा। हाँ मम्मी चलो। हाँ, ना चलना यार। हाँ, चलो ना। अरे नहीं रे नहीं रोशन, मेरा घर का बहुत सारा काम बाकी है, क्रिकेट की वजह से कुछ भी काम नहीं हो पाया। सविन भी आने वाली ना, तुम जाओ नेक्स्ट टाइम। हाँ नेक्स्ट टाइम। चलो हम लोग चल रहे हैं फिर। चलो बच्चों हम लोग चलो। चलो सोरी अंकल, पिक्चर अच्छी तो होगी ना? अरे मैंने सुना है फिल्म तो एकदम मस्त है। अरे इतनी मस्त है कि अगर एक बार देखेंगे तो बार बार देखते रहेंगे, और साथ में घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे और गेम्स भी खेलेंगे। चलो यार, मौसम बहुत रोमांटिक हो रहा है भाई। घर का सारा काम तो हो गया है, और आज मैं और दया घर में अकेले भी है। बापूजी और टप्पू भी बाहर गए हैं। बहुत दिन हो गया दया के साथ प्यार भरी बातें नहीं की। और टप्पू के पापा भी पूरी दोपहर नस्कोरा बोलते हैं सो जाएंगे। आज मौका अच्छा है, मौका कॉफी पीते पीते प्यार भरे बातें सिर्फ जेठा और दया के बीच में। हाँ, मैं टप्पू के पापा को घर में अकेले रख कर बोरीवली में वो जो नया मोक्स मॉल खुला है ना, उसमें शॉपिंग करने चली जाती हूँ। दया गड़ा, आज तुम पे है प्यार उम्र पड़ा, इसलिए आ रहा है जेठालाल गड़ा। दया मेरी कोयल। क्या हुआ? दया, आज मुझे ऐसे ही रहने दे, आटा वाला। क्या? अब तुम्हारी बारी, अब मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा आटा छिड़कता हूँ। नहीं। क्यों? क्यों क्या, हम ऐसे आटा आटी खेलते रहेंगे तो फिर सारा आटा खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाने दो। फिर मैं रोटी कैसे बनाऊंगी? कोई बात नहीं, आज मैं सिर्फ चावल से काम चला लूंगा।
आप तो चावल से काम चला लेंगे, लेकिन मुझे खाने में रोटी चाहिए ही चाहिए। अब जाइए। किधर? नहाने। सॉरी। कोई बात नहीं। समझ में नहीं आया, आज आटा गिरा फिर भी नहीं डाटा। टप्पू के पापा, पापा टप्पू के गायब। चलो चलो, अभी खरीदी करने के लिए भी जाना है, मैं जल्दी सबको फोन कर देती हूँ। हेलो, आप भिड़े बहन, मैं दया बोल रही हूँ। अरे दया भाभी, बोलिए। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो अचार पापड़ की ऑर्डर थी ना, तो वो पूरी कर रही हूँ। अच्छा, तो आप नहीं आ सकोगे? कहाँ? मुझे खरीदी करने के लिए जाना है, वो बोरीवली में नया मॉल खुला है, वहाँ पर सब अच्छी और वाजबी चीजें मिलती है। हाँ, मैंने भी सुना है उस मॉल के बारे में। हाँ, तो मुझे टप्पू के लिए स्कूल बैग, शूज, कपड़े, वो सब खरीदना है। हाँ, एक्चुअली मुझे भी बहुत सारी शॉपिंग करनी है। बस मिलते हैं अभी आधे घंटे में। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मिलते हैं फिर। अच्छा। अरे हाँ रे, हाँ डेविन, मैं भी आ रही हूँ। मुझे घर के लिए ना डिनर सेट लेना है, सोफा के लिए कवर लेना है, गोगी के लिए रेनकोट लेना है, और मेरे रोशन के लिए नया टिफिन बॉक्स भी लेना है। बहुत सारा सामान लेना है मुझे बाबा। अरे आपने अच्छा याद दिलाया, मुझे भी टप्पू के पापा के लिए लंच बॉक्स खरीदना है। थैंक यू। अरे डेविन, इसे थैंक यू की क्या बात है। अच्छा ये बताओ, अपनी पूरी महिला मंडल आ रही है कि नहीं? नहीं, अंजलि भाभी तो बाहर जाने वाली है। अरे भीड़े बहन के साथ बात हो गई है, वो आ रहे हैं। बस कोमल भाभी और बबीता जी को फोन करना बाकी है। अरे डेविन, बबीता जी को फोन मत करना। हाँ? वो रही यार भाई, सुबह सुबह कहीं बाहर गए हैं। अच्छा तो ठीक है, मैं कोमल भाभी को फोन कर देती हूँ। हाँ हाँ दया भाभी, मुझे भी आपकी बहुत याद आई। आपके भाई भाभी सब कैसे हैं? सब मजे में हैं। और मैंने सुना क्रिकेट मैच बहुत शानदार रही। हाँ बहुत मजा आया। गुड। अरे वो कल्लू भाई केबल वाले है ना, उसके पास सीढ़ी होगी, देख लेना, बहुत मजा आएगा। वाओ दया भाभी, ये बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने, आज ही मैं सीढ़ी मंगा लेती हूँ। नहीं नहीं, आज नहीं। क्यों? वो बोरीवली में नया मॉल खुला है ना। हाँ। वहाँ पर हम सब शॉपिंग के लिए जाने वाले हैं, आपको आना है? अच्छा, वैसे भी दया भाभी बहुत दिन से घर से बाहर थी ना, तो मेरी भी पूरी शॉपिंग पेंडिंग है। पेन लेनी है? पेन नहीं, पेंडिंग, मतलब मेरी भी शॉपिंग बाकी है। बारिश का मौसम है तो मुझे सैंडल्स लेने हैं, गोली के लिए रेनकोट लेना है, कुकर, चाय की किटली, और गर्मा गर्म टोस्ट सैंडविच खाने का मजा ही अलग है। एक सैंडविच मेकर भी ले लेती हूँ। वैसे दया भाभी निकलना कब है? बस अभी, आधे घंटे में तैयार होकर नीचे मिलते हैं। थैंक्स दया भाभी, बाय। नहा लिया? ना दो के फ्रेश, तैयार। मैं भी तैयार हो गई हूँ। सच? सिर्फ आपके लिए। नया बापूजी और टप्पू बाहर गए हैं, तो आप चाहते हैं ना कि मैं भी बाहर चली जाऊं? दया? अरे नहीं, कुछ मत बोलिए, मैं सब समझ गई। आज आपको अकेले घर में आराम करना है ना, तो आप आराम से आराम कीजिए। मैं भीड़े बहन, रोशन भाभी, कोमल भाभी, उनके साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, शाम तक लौटने वाली नहीं हूँ। दया? अरे अभी भला कौन आ गया? एक मिनट, मैं देखकर बताती हूँ। अरे दया, ये एक दिन मुझे साधु बना के छोड़ेगी। ओहो दिव्या, आओ आओ, इतने दिनों के बाद सहेली की याद आई। अरे क्या करूँ दया, ये बंटी के पीछे पूरे वक्त बिजी रहती हूँ। आज बंटी के पापा की छुट्टी है तो घर पे आराम कर रहे हैं।
उन्हें डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं और बंटी बाहर निकल पड़े। फिर सोचा कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, फिर तेरी याद आ गई इसलिए इधर चली आई। बोलो, उसके पति का आराम ना बिगड़े इसके लिए दूसरे के पति का आराम बिगड़ने आ गई। चलो अच्छा हुआ, वो कहते हैं ना, देर आया दुरुस्त आया। क्या दया। अरे जेठा भाई कैसे हो? बस साधु बनने की तैयारी चल रही है। क्या? कुछ नहीं, आप कैसे हैं? मैं तो अच्छी हूँ। ये बंटी है आपका? हाँ हाँ बंटी है। ओह काफी बड़ा हो गया है, पिछली बार देखा तभी तो 1.5-2 साल का उतना लग रहा था। क्या जेठा भाई, तब वो 1.5-2 साल का ही था। दया भाभी चलो। अरे हाँ आई। अरे दया तुम कहीं जा रही हो? हाँ मैं हमारी सोसाइटी की सभी सहेलियों के साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। शॉपिंग? अरे शॉपिंग तो मुझे भी जाना है। हाँ तो फिर चलो ना हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। अच्छा आती हूँ, पर बंटी इसको ऐसे ले जाना परेशानी होगी। तो जगह हो इसका, इसका भी मॉल में मजा आएगा। अरे क्या जेठा भाई आप भी, इसको तो शॉपिंग से सब नफरत है। तो एक बेस्ट आइडिया बताऊं, आपके पति घर पे सो रहे हैं ना, उनके बाजू में चुपचाप यह बंटी को भी सुला दो और फिर निकल पड़ा शॉपिंग के लिए, क्या बोलती हो दया? क्या आप भी, ऐसा थोड़ी ना होता है। कब ये यहाँ से घर पहुँचेगी, कब घर से वापस यहाँ आएगी, कब हम सब मिलकर शॉपिंग के लिए जाएंगे, इन सब में बहुत टाइम जाएगा। उससे अच्छे काम करो ना, आज टप्पू के पापा घर पर आराम से सोने ही वाले हैं, तो बंटी को भी उनके साथ सुला दो ना। हाँ ये आइडिया अच्छा है, क्या कहते हो? लेकिन वो उठ गया तो? जेठा भाई ये नहीं उठेगा, वैसे भी ये एक बार सोता है तो 4-5 घंटे उठता ही नहीं। बस बस तो फिर चलो चलो अंदर तो रूम में सुला दो, यहाँ पर सुला दो, आराम से सो जाओ। चल जेठा, साधु बाद में बनना, पहले आया का रोल आया है। अरे मेरा पर्स तो रह गया, चलो चलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सुला दिया? हाँ हाँ, चिंता मत करना मेरी। क्या मुसीबत है, अच्छा भला प्रोग्राम बनाया था, दया की सहेली ने आकर सब चौपट कर दिया। मेरे नसीब में शांति है ही नहीं। शे प्रभु। वाह कितना प्यारा बच्चा है, कितना मस्त ऐसा शांति से सो रहा है। मेरा टप्पू तो इसकी उम्र का था तो नींद में भी सीधा नहीं रहता था, हर 5 मिनट में हाथ पैर इधर उधर इधर उधर, और ये साक्षात भगवान। बस ऐसे शांति से सोते रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है, है? तू भी सो, मैं भी सो जाता हूँ भाई। प्रभु नहीं आए, आज तो मैं खूब अच्छे से और शांति से शॉपिंग करूंगी। हाँ सच कहा दिव्या, रोशन भाभी क्या बताऊँ, टप्पू के पापा भी शॉपिंग के लिए आते हैं ना तो उनका बड़बड़ चालू ही रहता है, कितनी देर शॉपिंग हुआ कि नहीं, चलो जल्दी करो ये वो। अरे यार हस्बैंड लोगों के लिए तो शॉपिंग मतलब बोरिंग काम, और हम पत्नियों के साथ तो खास। हाँ सही। चलो चलो मैंने बहुत लंबी शॉपिंग की लिस्ट बनाई है। वाह सूज, ए सूज सूज। हाँ
और मुझे भी लेने हैं सोनू के लिए। अरे वाह, टप्पू के लिए अच्छा है ना, टिका हुआ है। भाई साहब कितने का दिया? 700 रुपए। अच्छा है। क्या अच्छा है, 700 रुपए के है? अरे नहीं नहीं, मैं तो दिव्या के पैंट को देखकर बोल रही थी। चलो भाई साहब, अब थोड़ा कम करो ना। हाँ। नहीं बहन जी, कुछ कम नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ 50 रुपए में दे दो। दया भाभी, 50? अच्छा 101 में दे दो ना। अरे रो क्यों रहा है बेटा? आप कौन हो? जेठालाल, मतलब तुम्हारी मम्मी की फ्रेंड का वर। अरे इसमें तू क्यों रो रहा है बेटा? रोना तो मुझे चाहिए। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। मम्मी का? मम्मी वो जरा बाहर गई है, अभी आ जाएगी। कब आएगी? तू सो के उठेगा ना तो आ जाएगी। है सो जा बेटा, सो जा। अरे सो जा बेटा, तेरी मम्मी तो तेरी बहुत तारीफ करती थी कि मेरा बंटी एक बार सोता है तो 4-5 घंटे तक उठता ही नहीं है, है? जरा अंकल को बता 4-5 घंटे तक कैसे सोते हैं। अरे देख, मैं तुमको एक बढ़िया लोरी गा के सुनाता हूँ, हाँ तुमको एकदम फर्स्ट क्लास नींद। अरे ट्राई तो कर देख, वो तू सुनेगा ना एकदम फर्स्ट क्लास नींद आ जाएगी। है वो लोरी पता है ना वो? अरे यार ये लोरी भी याद नहीं आ रही अभी, कौन से वो? आ धीरे से आ जा रे अखियन में निंदिया, आ जा रे आ जा धीरे से आ जा। आ रही है ना निंदिया? सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। मुझे नींद नहीं आ रही। तो मैं सो जाऊँ? नहीं। तो क्या करना है तुझे बेटा? आपके घर में टीवी है? हाँ है। तो मुझे टीवी देखना। चलो। वो देखो बेटा, और सामने दिख रहा है ना और टीवी है। टीवी चालू तो करो। जो कार्टून देखना है, टॉम एंड जेरी कार्टून। मनुष्य अर्थात एक मिनट रुको, सच्चा इंसान। अगर जल्दी करो ना, अगर जल्दी करो ना। अरे बेटा कर तो रहा हूँ। कितनी देर लगाओगे बेटा? टॉम एंड जेरी नहीं आ रहा है। ओ हाँ, मुझे लगता है वो सो गए। चलो हम लोग भी सो जाते हैं। चलो मुझे टॉम एंड जेरी देने वाला, मेरे साथ खेलो। अरे अभी क्या खेलना है तुमको? छुपा छुपी। आप आंखें बंद करो, मैं कमरे में जाके छुप जाता हूँ। ठीक है, ये लो बस आंखें बंद कर ले। चलो छुप जाओ। अंकल रेडी? आ जाओ, मैं छुप गया। यार क्या मुसीबत है ये, दया भी। हेलो दया। हेलो दया, की आवाज और बिगड़ गई। हेलो दया। नहीं अंकल, मैं आंटी नहीं हूँ। लगता है दया का फोन किसी बच्चे के पास है। हेलो बेटा,
तुम्हारे आसपास कोई बड़ा हो उसको फोन दो। एक मिनट अंकल। अंकल आपका फोन है। थैंक यू बेटा। हेलो। अरे दया फोन घर पे ही भूल गई है। थैंक यू मेरे बाप। देख बेटा तूने जो बोला वो मैंने सब किया ना, अभी जो मैं बोलता हूँ वो करना भाई है? थोड़ी देर तू भी सोचा मुझे भी सोने दे। नहीं। क्या हुआ? अंकल बहुत जोर से बीपी लगी है, जल्दी चलो नहीं तो यहाँ ही हो जाएगी। चलो अंकल जल्दी। हाँ जल्दी करो। अरे हाँ भाई लेता जा रहा हूँ तुझे, जल्दी करो चलो। ये दया भी कहाँ फंसा दिया मुझे। चल भाई हुआ क्या? नहीं अगर दो मिनट। दो मिनट चल चल अभी। अंकल दरवाजा नहीं खुल रहा है। अरे तो बंद क्यों किया तूने? अंकल मेरे पापा कहते हैं कि बीपी करने के टाइम पे दरवाजा बंद रखो। अरे तेरा पापा बहुत मिल रहा है मुझे। बेटा देख चिंता मत करना बेटा, ये जो कड़ी है ना उसको ऐसा, ये देख ये वाली कड़ी उसको ऐसा कर और वो खुल जाएगा दरवाजा। अंकल दरवाजा नहीं खुल रहा, डर लग रहा है। नहीं नहीं बेटा बेटा डरना मत। हे भगवान क्या मुसीबत है, क्या करूँ? देख बेटा ऐसा होगा तो मैं ये लॉक तोड़वा दूंगा, ठीक है? मैं लॉक वाले को लेकर आता हूँ, चिंता मत कर। अरे आज रविवार है, लॉक वाला भी आराम से सो रहा होगा घर पे। भगवान क्या मुसीबत है। देखो बेटा देख ओ, 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 जो हैंडल है ना ये गोल गोल वाला, वो उसको ऐसे ऐसे घुमा और घुमा के खुल। हेलो अंकल आप अंदर आके दरवाजा खोलो ना। बेटा तू अंदर से दरवाजा खोलता, मैं अंदर आके खोलता हूँ। बेटा तू चिंता मत करना, मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? खुल गया, खुल गया बेटा। अंकल मैं तो मजाक कर रहा था। इधर मजाक नहीं करने का। देखा मजाक करने की जगह? तुझे मजाक करना अपने पापा के साथ मजाक करने का, मैं तेरा पापा नहीं हूँ, समझा? नॉनसेंस। अरे 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 अभी मैं मजाक कर रहा था बेटा। गुस्सा होने का मैं मजाक, रो मत, रोने का नहीं बेटा। देखो बेटा बेटा ऐसे 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 रोने का, रोने का नहीं। क्या क्या तुझे को चॉकलेट चाहिए? चॉकलेट है? चॉकलेट चाहिए? क्या 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 दूध 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 पीना है? चॉकलेट पाउडर वाला दूध लेके आऊं? ठीक है मैं चॉकलेट पाउडर वाला दूध लेके आता हूँ। रोना मत, आ जा इधर, आ जा बेटा, आ जा इधर। हम लोग बच्चा लोगों के लिए चल के चॉकलेट लेते हैं। क्या हुआ? पता नहीं अचानक से हिचकी शुरू हो गई। लगता है कोई आपको याद कर रहा है। अरे कोई क्या कोमल भाभी, बोल दो ना, जेठा भाई याद कर रहे हैं क्यों? अरे नहीं नहीं वो तो घर पर आराम कर रहे होंगे, जरूर मेरी माँ याद कर रही होगी। माँ को फोन करती हूँ। अरे मेरा पर्स कहाँ गया? अरे आपके हाथ में ही तो था। लेकिन अभी नहीं है। ओ नो देव, अभी कहीं मॉल में गिर तो नहीं गया ना? जी उसमें 15,000 रुपए थे। अगो भाई 15,000? हाँ। टेंशन मत लो,
दया भाभी, हम लोग ढूंढते हैं। अभी इतने बड़े किचन में कहाँ रखा होगा चॉकलेट पाउडर? चलो ढूंढना तो पड़ेगा। शुरू करो जेठालाल, चॉकलेट पाउडर शोधो अभियान शुरू करो। नहीं नहीं, इसमें तो मुझे याद है, मैं जब छोटा था तो मेरी बा ये अचार भरती थी इसमें। हाँ इसमें नहीं हो सकता, ये तो जाम ही है। ए भगवान, कहाँ होगा चॉकलेट पाउडर? एक काम करता हूँ, पीड़े को फोन करके पूछता हूँ, उसको पता होगा ये लोग किचन में कौन सी चीज किधर रखते हैं। ले बोलो। भिड़े का नाम लिया और मिल गया, ये सामने ही और मैं इधर उधर ढूंढ रहा हूँ। हाँ चलो मिल तो गया। ये चम्मच किधर होगा? ये हिलाने का कैसे? अंकल जल्दी करो। अरे आ भाई, अरे किधर गया बंटी? अरे अरे भाई बंटी, ये सब कागज क्यों फाड़ रहा है तू भाई? हाँ क्यों फाड़ा कागज? कागज फाड़ने के आज अच्छी लगती है। वाह, तेरे शौक भी निराले, दुनिया के किसी बच्चे के ऐसे शौक नहीं होंगे। चल ले 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 तेरा चॉकलेट पाउडर वाला दूध पी ले। मुझे दूध नहीं पीना। क्यों? बस नहीं पीना। बेटा मैंने इतनी तकलीफ से तुम्हारे लिए चॉकलेट पाउडर ढूंढा, प्यार से दूध बना, भी तो बोल रहा है नहीं पीना, तभी इसका क्या करूं मैं? फेंक दो। ये फेंक दो बड़ी, दूध का भाव मालूम है 36 रुपए लीटर भाव है इसका। ब्रेड जैम खाना। हे भगवान, इसकी तो एक के बाद एक फरमाइश खत्म ही नहीं हो रही है, कंटल गया हूँ। दया तू एक बार घर पे आ बस, जल्दी। ठीक है लाता हूँ। ये दया आए उतनी देर है। अगर जल्दी लाओ। हाँ ला रहा हूँ, दे लाओ जल्दी लाओ। अभी दूध नहीं पीना है, ब्रेड जैम खाना है। इधर मैंने क्या होटल खोल कर रखा? आ, दया किधर फंसा दिया मुझे? एक तो थकान है, नींद आ रही है। क्या इधर? अरे इधर ये सिंक किधर से आ गया भगवान? फंस गया ये। सोसाइटी में किसी ने देखा तो नहीं? अरे ला रहा हूँ भाई, एक मिनट। एक तो भगवान, अंकल ब्रेड जैम जल्दी लाओ। आ भाई आ ला रहा हूँ, शांति रख थोड़ा। ये लग गया एक तो मुझे इधर। ब्रेड किधर है? इधर देख लेता हूँ पहले, नहीं इधर नहीं है। उधर ही बना के देता हूँ। अरे भाई, अरे ये क्या कर रहा है तू? हाँ ये क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहा है बेटा? फूल को दूध पिला रहा हूँ। बैठ जा इधर। ये देख तेरा ब्रेड जाम लेके आया हूँ। हाँ अभी खा लेना चुपचाप। ले खा। अच्छा नहीं है तो अभी? और क्या क्या है खाने को? बेटा इधर मैंने होटल नहीं खोला है। होटल खोलो ना।
अपने पापा को बोल रहे हैं घर जाके वो खोलेंगे हाँ होटल। अभी ये ब्रेड जैम है वो खा ले भाई। मुझे नहीं खाना। तो भाई अभी तुझे क्या करना है? अंकल मेरा घर में डंग उड़ रहा है, मुझे बाहर घुमाना है, ले चलो। भाई अभी तो ये घर में मेरा भी दम घुट रहा है, लेकिन अभी हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। क्यों? बाहर बारिश हो रही है मूसलाधार, अगर भीग गए ना हम दोनों तो जुकाम हो जाएगा, समझा? हाँ। ये खा ले ना बैठ जाम, अच्छा है बेटा, खा ले खा ले। आप खा लो, लो। वो देखिए मेरा पर्स। अरे दया भाभी, आपके जैसा पर्स किसी और के पास भी तो हो सकता है। हाँ। अरे लेकिन दया ये पर्स तेरा ही हुआ तो? हाँ। ए, तो चलो नी हम लोग चल के उस लेडी को ही पूछ लेते हैं। हाँ? चलो वो तो जा रही। हाँ, चलो, 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 चलो। ये भी बहुत अच्छा है बेटा। तो बेटा ये मेरी हिसाब की डायरी है, कहाँ से आई तेरे हाथ में? बेटा मैंने तुझे ये किताब दी थी ना कलरिंग करने के लिए, ये कहाँ से लेके आया तू? अबे चलो पकड़ा पकड़ी खेलते। तू कभी थकता नहीं है भाई। अब थक गए? नहीं मैं एकदम फ्रेश हूँ। तो चलो खेलते। मुझे भी ऐसा पर्स खरीदना है, जरा बता सकते हैं ये पर्स आपने कहाँ से लिया है? सॉरी मुझे याद नहीं ये पर्स मैंने कहाँ से लिया है। बिल तो होगा ना आपके पास? बिल नहीं, मैं आपका ये पर्स देखना चाहती हूँ। क्या? अरे ना, अरे, 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 अरे क्या कर रही हो आप? अरे अरे क्या कर रही हैं आप? अरे सॉरी, ये आपका ही पर्स है क्या? है मैंने मेरे पर्स में माता जी का फोटो लगाया है और आपके पर्स में फोटो नहीं है, तो ये आपका ही पर्स हुआ ना। मतलब आपके कहने का मतलब क्या है? ये पर्स क्या मैंने आपको चुराया है? नहीं, अरे मैं आपको चोर लगती हूँ? आप अपने आप को समझती क्या है? सॉरी बेन। नहीं एक मिनट बात सुनिए, देखिए उनकी कुछ गलतफहमी हुई है, उनका ये मतलब नहीं था। हाँ। नहीं मैं क्या आपको चोर दिखाई देती हूँ? चोरी होगी ना इसलिए वो टेंशन में से बोल गई। सॉरी। हाँ बरोबर बरोबर, तो क्या ऐसा कहने का मुझे? सॉरी बेन। सॉरी आप जाइए। सॉरी सॉरी सॉरी। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अरे दया तू चिंता मत कर, मैंने उस पर्स की फोटो अपने मोबाइल में खींच ली है, ये देख। हाँ, देखो तो। हाँ, तो अब चल अब सिक्योरिटी वाले के पास चलते हैं, शायद किसी ने उनको पर्स दे दिया होगा। चलो चलो चलते। बस पहुंच गया, हो गया, चलो। अंकल चलो घर घर खेलते। बेटा घर घर खेलने लायक घर कहाँ रहने दिया है तूने? अंकल पापा आनो, मैं बेटा आता हूँ। मम्मी? मम्मी तो नहीं है। मम्मी नहीं है ना बेटा, तो मम्मी के बगैर नहीं खेल सकते घर घर। हाँ चलो सो जाओ थोड़ी देर, चलो मैं जाके खोलता। हाँ भाई खोल जा। पापा हम यहाँ गए।
काश इसकी मम्मी आ गई, जान छोटे भाई। पापा आ गए। अरे बबीता जी आप? ये कौन? हाँ चलो। ये कौन है? ये वो हमारा बेटा। मतलब वो हम दोनों घर घर खेल रहे हैं ना, तो उसने आपको मम्मी बना दिया, मुझे पापा बना दिया, तो वो हिसाब से हमारा बेटा हुआ ना ऐसा। पर ये है कौन? ये वो दया की सहेली का बेटा है बबीता जी। वो दोनों शॉपिंग में गए और इसको मेरे हवाले छोड़ के गए। देखो क्या हाल हवाल किया इसने मेरा और पूरे घर का। पापा हम यहाँ गड़गड़ खेलते। थोड़ा खेल लो बबीता जी, सॉरी लेकिन ये जान छोड़। हाँ चलो खेलो खेलो, बोलो क्या कर रहे हैं क्या घर घर में? मम्मी मुझे वापस जाना। मम्मी पापा को वापस जाना। बबीता जी बुरा मत लगाना, वो क्या है वो तो बच्चा है बेचारा, उसको मालूम नहीं किधर क्या बोलना चाहिए, निर्दोष है ना एकदम वो। ओ, बच्चा तो भगवान का स्वरूप होते है। अभी पापा को बताना ना। बेटा देखो मम्मी और पापा के बीच में झगड़ा, मतलब मीठा झगड़ा हुआ है, तो वो ऐसा किसी नहीं दे सकते हैं मम्मी। अच्छा ठीक है, वो ऐसा वो बेटा वो मम्मी ऐसा आ जाएगी, चलेगा? ठीक है। ठीक है ठीक है। ओके चलो मैं चलती हूँ, सॉरी। हाँ अरे लेकिन बबीता जी आप यहाँ आए थे किस लिए वो तो बताइए। वो हाँ एक्चुअली मैं दया भाभी के लिए एक बांधनी की साड़ी खरीद के लाई थी, बट इट्स ओके वो क्योंकि अभी नहीं है तो मैं बाद में वापस आ जाऊंगी। ठीक है चलो बाय। और बबीता जी सॉरी हाँ, बुरा मत लगाना। बच्चा आपको मम्मी बोला मुझे पापा, तो क्या उसको मालूम नहीं है ना, इसलिए सॉरी है। ओके एंजॉय योर गेम, बाय बाय बाय। पुलिस भाई, पुलिस भाई, आपने ऐसा पर्स देखा है? नहीं मैडम मैंने नहीं देखा। टेंशन मत लेना दया भाभी, हम लोग माइक पर अनाउंस करवा देते हैं। चलो करते हैं, चलो चलो चलिए। अरे मैडम एक मिनट। अरे मैडम आप अपना पर्स मेरी दुकान पे ही भूल गए थे। अरे वाह जेठा भाई, लगता है आप बंटी के साथ बहुत घुल मिल गए हैं। एक मिनट जरा आप अंदर आएंगे प्लीज।
देखिए, घर की हालत देखकर मैं समझ गई हूँ कि आप पर क्या बीती है। मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ, आप थोड़ी देर के लिए अपना गुस्सा निकल जाएंगे। क्या है, मेरी सहेली के सामने आप मुझे डांटेंगे ना तो मेरी पेस्ट्रीज डॉन हो जाएगी। अरे पेस्ट्रीज नहीं डोबे, प्रेस्ट्रीज। हाँ वही, आप समझ गए ना। तो उसके सामने मुझे मत डांटना, वो चली जाए ना फिर जितनी मर्जी हो उतना डांटना। प्लीज रिक्वेस्ट, थैंक यू। आइए। हाँ दिव्या। जेठा भाई, लगता है बंटी ने आपको बहुत परेशान किया। कोई बात नहीं, अभी बच्चे परेशान नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे। वैसे आप लोगों ने आने में थोड़ी थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा देर कर दी, पर नेक्स्ट टाइम हम लोग जल्दी आ जाएंगे। क्यों दया? हाँ हाँ, अरे दिव्या आई हो तो फिर खाना खा कर ही जाओ ना। नहीं, ये खाना नहीं खाएगी, उसको देर हो रही है ना। और दिव्या, बंटी के पापा भी इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ, अभी तो वो जाके गए होंगे, कितना सोएंगे। अच्छा दया, अब हम लोग चलते हैं। बंटी चलो, अंकल आंटी को बाय बाय बोलो। बाय बाय बेटा। अच्छा दया, चलती हूँ, फिर आऊंगी। हाँ हाँ जरूर। अंकल नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे। आओ दया, आओ। ये देख रही हो तुम, ये देख रही हो क्या हाल हुआ है मेरा। हाँ देखिए, आप गुस्सा मत कीजिए। तो क्या करूँ? आप शांति से पहले मेरी बात सुन लेंगे प्लीज? बोलो बोलो, क्या बोलना है तुमको, बोलो। देखिए हुआ यू कि जब हम मॉल में पहुँचे थोड़ी खरीदारी की, तब मुझे पता चला कि मेरा पर्स गुम हो गया है। हम लोग यहाँ वहाँ भटके, फिर एक बहन के पास मेरे जैसा शैम्पू शैम्प पर्स था, हम लोग उसके पास गए, उसको समझाया, फिर पता चला कि वो पर्स उसका ही है, वो पर्स मेरा नहीं है, फिर उसको साथ किया, फिर हम यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे, सिक्योरिटी के पास जा ही रहे थे, तब मुझे जामनगर वाले हमारे जमुना मौसी है ना वो मिल गए, वो उनकी ननद की मौसी के बेटे के पोते की शादी में आए थे। फिर जमुना मौसी ने कहा कि आप लोग कहाँ रहते हैं, मुझे कंकोत्री देने के लिए आना है। मैंने उनको पता बताया, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, फोन करके आपके घर पर दो चार दिन के बाद कंकोत्री देने के लिए आ जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि आओ जो, तो मैंने भी कहा आओ जो, वो गए। फिर मुझे याद आया कि अरे ये पर्स तो भूल गई हूँ, फिर हम सिक्योरिटी के पास गए, उसको बताया, फिर मैं बहुत उदास हो गई थी। और तब पीछे से एक आवाज आई, एक भाई ने कहा कि बहन ये पर्स कहीं आपका तो नहीं, और मैंने कहा कि भाई ये पर्स मेरा ही है। तो इस तरह मुझे मेरा पर्स मिल गया। लेकिन आप मानोगे नहीं, ये सब भागादौड़ी में भी मैं आपको नहीं भूली। मैंने आपके लिए स्पेशल गिफ्ट खरीदा है। क्या है? अरे आप आंख तो बंद कीजिए, अभी बताती हूँ। आंख बंद की कि नहीं? मैं आपके लिए काले कलर का शर्ट लाई हूँ, ये देखिए कैसा है। अरे वाह दया, क्या शर्ट है ये, कहाँ से लिया? वो NV2 वाले जीतू भाई लाखानी है ना। ये शर्ट देख के मुझे लगा कि तुमने वहीं से लिया होगा। हाँ। क्योंकि उनके सिवा ऐसा शर्ट और कोई बनाता ही नहीं है। वाह 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 वाह। अब एक बात कहूँ, आप ये शर्ट पहनोगे ना एकदम कौवे लगते हो, कौवे हैंडपम्प कौवे। मतलब मैं कौवा और तू कोयल। चल दया, आज यही शर्ट पहन के हम दोनों बाहर खाना खाने जाते हैं। यही शर्ट हम दोनों कैसे पहन सकते हैं? अरे मैं तो मजाक कर रही थी।